हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल की ड्रेस, जो कि मैं वेलवेट से ही बनाने वाली हूँ। वेलवेट के कपड़े से मैं आज के ड्रेस जो है बनाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थोड़े से ही कपड़े में आप इस ड्रेस को बना सकते हैं। और यहाँ पर मैं गोल्डन लेस का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले हम जो कपड़ा लेंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई मैंने जो रखी है 4.5 इंच की चौड़ाई है दोनों साइड से, इस साइड से भी 4.5 है और इस साइड से भी 4.5 है। तो देखिए, अब मैं सबसे पहले क्या करना है, हम सबसे पहले उनका घेर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी इस साइड में, ताकि आपको नज़र आए, अदरवाइज आप जब निशान लगाएं तो बैक साइड में लगाएं। तो इस तरह से हम इसको मैच कर देंगे। सॉरी, इस तरीके से चौकोर कपड़ा लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे, और जो ये कोना है इस कोने को हम कट करके निकाल देंगे। इस तरह से हल्की सी गुलाई देते हुए इसको आप कट कर दें। और जब आप इसे खोलेंगे तो सर्कल बन जाएगा। जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर कम ज़्यादा है, वहाँ पर आप कट कर दें इस तरह से। उसके बाद देखिए, फिर से हम दोबारा इस तरह से कट करेंगे, सॉरी फोल्ड करेंगे इसको, और यहाँ से लगभग 1/2 इंच की दूरी पर हम यहाँ पर कट लगाएंगे। देखिए, लगभग 1/2 इंच की दूरी पर यहाँ पर हम कट लगाएंगे। कट भी इस तरीके से लगाना है जिस तरीके से हमने गोल राउंड कट किया है, इस तरीके से कट लगाएंगे। तो ये हमारी जो है बीच में इस तरह से होल हो जाएगा, और बीच वाले हिस्से में से हम एक तरफ से इस तरह से कट कर देंगे। देख, कट करने के बाद अगर आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा लग रहा है कपड़ा, तो आप उसको कट कर दें। इसके बाद देखिए, हमें क्या करना है, हम गोल्डन डोर जो है लेस लेंगे। आप कोई भी लेस ले सकते हैं, और इसको हम इस तरह से फोल्ड करते हुए हाफ हाफ इस तरह से इस यहाँ रखेंगे और इस किनारे पर भी रखेंगे इस तरह से। हमने यहाँ से लेकर इस साइड से यहाँ तक हमने इसको स्टिच कर देना है। देखिए, लेस हमने यहाँ पर रख लिया, इस तरीके से लेस को स्टिच कर देना है। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस बनकर ये रेडी हो जाएगी। जन्माष्टमी पे आप अपने गोपाल जी को ये ड्रेस बना सकते हैं। और अब हम बनाएंगे इनकी चोली। तो चोली बनाने के लिए देखिए, ये मैं बता देती हूँ आपको, 2 और 3 नंबर के लड्डू गोपाल को ये आसानी से आप पहना सकते हैं, और 1 नंबर के लड्डू गोपाल को भी आप पहना सकते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे चोली। चोली की लंबाई देखिए, मैंने यहाँ 2 पीस लिए हैं। इसकी लंबाई है 4.5 इंच, 4.5 इंच के आपको 2 पीसेज ले लेने हैं। उसके बाद देखिए, हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे इस तरह से, और ये वाली लेस लेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे, और दोनों भागों को इसके बीचों बीच में रख के हम स्टिच कर देंगे। हमने लेस सिर्फ एक साइड स्टिच करना है, दोनों साइड नहीं करना है। इस तरीके से हम दोनों पट्टियों पर ये लेस स्टिच कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमने जो है लेस रख ली है। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पर 2 इंची तक यहाँ से यहाँ तक हम इसको स्टिच कर लेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा हमने यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है 2 इंच तक। देखिए, सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर डोरी लगाएंगे। आप डायरेक्ट डोरी इस तरह से सिल भी सकते हैं, इस तरह से यहाँ सिल सकते हैं, स्टिच कर दें, या फिर आप थोड़ी सी इसको इस तरह से फोल्ड कर दें। फोल्ड करने के बाद फिर आप ये डोरी उसके साथ साथ इस तरह से यहाँ पर स्टिच कर दें इस तरह से। तो यहाँ हमारी इस तरह से हो जाएगी चोली रेडी। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर इस डोरी को, क्योंकि जो वेलवेट होता है वो उसका कपड़ा जो है बिल्कुल भी निकलता नहीं है, तो हम यहाँ डायरेक्ट ये डोरी यहाँ पर स्टिच कर देंगे इस तरीके से। इस तरीके से यहाँ पर इस डोरी पे हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमारी ये चोली है वो तैयार हो गई है। देखिए, घेर जो पूरा तैयार हो गया, चोली भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम इनका मुकुट बनाएंगे। तो इनको रख देंगे हम साइड में,
और हम इनका मुकुट बनाएंगे। मुकुट बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो कपड़ा लिया है, लंबाई ली है लगभग 5.75 और जो चौड़ाई ली है वो लगभग 1.25। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, 1.5 भी आप ले सकते हैं। तो इसको हम कपड़े को सबसे पहले इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद ये वाली लेस हम इस तरीके से लगाएंगे जैसे हमने घेर पर लगाई है। इस तरह से हम इसको पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने लेस रखा है, लेस को हमने एक साइड में रखा है। अब हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और जो ये किनारा है इसको हम यहाँ लगाएंगे। इस तरह से लगाएंगे ताकि आपका एक अंगूठा जो है वो आराम से आ जाए। इस तरीके से अब हम इसको यहाँ पर स्टिच कर देंगे। एक सिलाई हम यहाँ लगा देंगे और इस तरह से पीछे ले जाते हुए एक सिलाई हम यहाँ लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी ये जो कैप रेडी हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने इसमें स्टिच कर लिया है कैप में और हमारी रेडी हो गई पूरी ड्रेस का सेट। आप इसको चोली की तरह पहना सकते हैं। देखिए इस तरीके से इनको पहनाना है, ऊपर की साइड इसको इस तरह से करना है, बैक साइड से लाकर इसको इस तरह से बांध देंगे। तो हमारी ये नेफी ड्रेस, साथ के साथ नेफी भी इसमें अटैच है। आप नेफी अलग से ना ख़रीदें, आप इसी में ही नेफी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल मेरा तो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही औरों को भी आप शेयर कर सकते हैं मेरा चैनल, और जो भी वीडियोज़ है आप शेयर करना चाहें शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, मेरे चैनल पर बने रहें। बाय बाय।